तो इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली एक ट्रूली मेड इन इंडिया नेक पेन लॉन्च कर दिया गया है। गाइज ये है मीवी की तरफ से आने वाला कॉलर क्लासिक प्रो, और गाइज ये आपको सिर्फ 799 रुपीज के लिए देखने को मिलेगा, और इसी प्राइस पॉइंट में आपको मिलेंगे 72 आवर्स की प्लेबैक टाइम। जानेंगे सब कुछ इसी नेक पेन के बारे में डिटेल ही, और इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो ना, इसकी जो डायरेक्ट बैंक लिंक दे दूंगा उससे यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से यार लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा देना। Hello everyone, my name is Abhijit. Welcome to our channel Day by Day. बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो ऊपर यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग देने को मिलती है, और ये एक्चुअल नेक बैंड की आपको यहाँ पे इमेज देने को मिल जाएंगी। नीचे यहाँ पे कॉलर क्लासिक प्रो लिखा मिलेगा, और गाइज यहाँ पे आपको डीप एंड पावरफुल बेस और लॉन्ग प्लेबैक टाइम, जैसे आपको मैं पहले कहा था कि ये नेक बैंड आपको यहाँ पे 72 आवर्स की प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, और ये एक आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देने को मिल जाएंगी। इस साइड भी यहाँ पे आपको इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया लिखा मिलेगा, और दूसरे साइड देखोगे तो गाइज यहाँ पे इनकी जो टैग लाइन है पुश द लिमिट्स देने को मिल जाएंगे। पीछे आपको सारी मेजर हाइलाइट्स देने को मिल जाएंगे, जो कि आगे आपको मैं एक एक करके वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइज इस पे आपको 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी देने को मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक वेलकम कार्ड देने को मिल जाएंगी, और गाइज जो 1 ईयर की वारंटी मिल रहा था उसको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप की QR कोड देने को मिल जाएगा, और ये नेक बैंड की यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल देने को मिल जाएंगे। और एक्सेसरीज में यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल, और आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देने को मिल जाएंगे, जरूर से आपके ईयर साइज के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लेना। और दोस्तों ये नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ये आपको एवरेज देने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो नेक बैंड है ना, यहाँ पे आपको एक पतली से एक प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है, कोई भी सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं किया गया। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैटरी वाला पार्ट है, इनमें भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी आपको इतनी अच्छी देने को नहीं मिलती है, थोड़ी सी यहाँ पे बेटर हो सकता था, लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंप्लेंट नहीं है। एक साइड यहाँ पे आपको मेवी की ब्रांडिंग देने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी वायर की क्वालिटी को लेके, ये आपको थोड़ी सी पतली देखने को मिलती है, लेकिन लकीली यहाँ पे आपको ये टैंगल फ्री टाइप का वायर देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर्स कुछ इस तरह से आपको कैप्सूल टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस बटन देखने को मिलती है, एक यहाँ पे आपको मल्टीफंक्शनल बटन देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको टायर की चार्जिंग पोर्ट में एक कवर देखने को मिल जाएगी, और इस साइड भी आपको यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और ईयरबड्स की बात करें तो ऊपर आपको यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नेट है ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे इसको अलग कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं हुआ। यहाँ पे ऑन करने के लिए आपको जो बीच वाला बटन है प्रेस करना पड़ेगा, तो एक आपको LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिलती है, ये ऑन हो जाएगा। और दोस्तों इसकी फिटिंग और कम्फर्ट का मैं बताऊँ ना, तो गाइज यहाँ पे इन ईयर टाइप के ईयरबड्स होने की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉपर फिटिंग देखने को मिल जाएंगी। कम्फर्ट की बात करो तो लॉन्ग आवर्स तक इसको पहन सकते हो, लेकिन कभी कभार आपको शायद यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़े। वर्कआउट के टाइम अगर आप देखोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएंगे, आप इसको रनिंग और जॉगिंग के टाइम में आराम से यूज कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको IPS 5 की रेटिंग मिल जाएगी, तो ऐसे स्वेट होता है या फिर ऐसे बारिश के पानी वगैरह गिर जाएंगे, ये नेक बैंड को कोई नुकसान नहीं होगा। और कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलेगा, और गाइज यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कोडेक AAC तक का भी सपोर्ट देने को मिल जाती है। और दोस्तों ये नेक बैंड में आपको 13mm की ड्राइवर साइज देने को मिलती है, और अगर मैं बात करूं इसकी म्यूजिक क्वालिटी के बारे में तो गाइस यहां पे बेस आपको थोड़ी सी ज्यादा बूमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट आपको इतना क्लियर देखने को नहीं मिलते। लेकिन कंसीडरिंग प्राइस 799 रुपीस के हिसाब से यहां पे आपको लाउडनेस अच्छी देखने को मिलती है, और 100% में आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देने को नहीं मिलती है। तो यहां पे ऐसे कैजुअली म्यूजिक के लिए इसको आप कंसीडर कर सकते हो। और गाइस यहां पे आपको कॉलिंग के लिए ना MMS माइक्रोफोन की सपोर्ट मिलती है, तो जल्दी से एक रियल टाइम टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको कॉल परफॉर्मेंस कैसे देने को मिलती है। तो ये आवाज आपको इसी मीवी कॉलर क्लासिक प्रो से सुनाई दे रहा है, और गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को प्ले किया है, जिससे आपको बेहतर आइडिया लगे कि इसी नेक बैंड के साथ अगर यहाँ पे आउटर कंडीशन में किसी को कॉल करते हो तो यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी कैसे मिल सकती है। तो कॉल क्वालिटी जैसे आपने सुना MEMS माइक्रोफोन की वजह से यहाँ पे आपको अच्छी कॉल क्वालिटी मिलती है। आपको हल्की सी बैकग्राउंड की नॉइज भी सुनाई दिया होगा, लेकिन मेरी वॉइस भी यहाँ पे ज्यादा क्लियर थी, तो कॉलिंग के लिए यहाँ पे इंडोर या आउटडोर कंडीशन में आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे वो कोई भी गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक गेम टेस्ट किया था, जिससे आपको बेहतर आइडिया लगे
कि इसमें आपको लो लेटेंसी कैसे देने को मिलेंगी। मूवी वगैरह के टाइम आपको लिपसिंग का इशू रहेगा नहीं, इससे यहाँ पर आप जज कर सकते हो। वेल ये नेकबैंड तो गेमिंग के लिए नहीं बना है, लेकिन मूवी वगैरह देखने टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो 72 आवर्स की प्लेबैक टाइम है ना, अगर इसका 50 या 60% वॉल्यूम के साथ सुनोगे तो तभी मिल सकता है। तो 100% वॉल्यूम में यहाँ पर आप अज्यूम कर लो कि आपको 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो अगेन काफ़ी ज़्यादा है। अपना मूवी आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग आवर्स तक क्लासेस चल रहा है या फिर मीटिंग चल रहा है, आराम से इसी नेकबैंड के थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको यहाँ पे बार बार चार्ज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक के लिए ये ज्यादा रेकमेंडेड नहीं रहेगा, ऐसे नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं तो ठीक है। और यहाँ पे कॉलिंग और बैटरी लाइफ के लिए डेफिनेटली ये नेकबैंड 799 रुपीज के लिए काफी बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकता था और गेमिंग फीचर मिल जाता था, मैं कहूँगा कि ये और ज्यादा बेटर हो सकते थे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा बैटरी और कॉलिंग के लिए प्रायोरिटी रख के खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हो। और ऊपर से ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और कोई डाउट रहेगा और कोई कंपैरिजन देखना होगा तो जरूर शेयर कमेंट करके बताओ, और आप चाहोगे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको उस पे भी हेल्प करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।